हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन की जो सीरीज है उसमें हम अपना सेकंड पार्ट पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इससे पहले हमने जो है वो सोर्स की या फिर रिजर्वॉयर की बात की थी। तो डिजीज जो ट्रांसमिट होती है उसमें हमारी तीन मेन लिंक होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। एक तो सोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू वो जाएगा या रिजर्वॉयर, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन हेल्प करेगा ट्रांसमिट होने में और जाना लास्ट में कहाँ है, ससेप्टेबल होस्ट के पास। तो हम पढ़ेंगे अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो रिजर्वॉयर या फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से हमें ससेप्टेबल होस्ट तक पहुंचानी है। तो बीच का जो मीडियम है जिसके थ्रू जाएंगे दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर हम एक एज रूल की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि एक इन्फेक्टिव एजेंट एक ही रूट से जा सकता है। जैसे कि हम बात करें जो टाइफाइड फीवर है वो व्हीकल ट्रांसमिशन से होता है, कॉमन कोल्ड वाला डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेज भी होती हैं जो अलग अलग रूट से जाती हैं। जैसे एड्स की बात करें तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग भी है, ठीक है, इस तरीके से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो अलग अलग रूट भी हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा रूट होंगे उसके ट्रांसमिशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी उसको रोकना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं जो कि होते हैं हमारे दो। फर्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। पहले हम क्लासिफिकेशन जो है इनका पूरा पढ़ लेते हैं, वो फिर एक एक को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट में हमारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सेकेंड इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, थर्ड इज कॉन्टेक्ट विद सॉयल, सेकेंड इज इनोक्युलेशन, इनोक्युलेशन इंटू स्किन और म्यूकोसा, एंड लास्ट वन इज ट्रांसप्लेसेंटल। ये इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट में हमारे आएंगे व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, एयर बॉर्न या फिर फोमाइट बॉर्न, नेक्स्ट आता है अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर। एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन की। डायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, जो आपका ऑर्गेनिज्म है और जो जिसके अंदर उसको जाना है उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए इसमें, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो उसमें भी पहला आता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, मतलब जब इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ स्किन टू स्किन, म्यूकोसा टू म्यूकोसा या फिर म्यूकोसा टू स्किन। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब कोई बीमारी फैल रही है उसके डायरेक्ट टच से वो होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि HIV इन्फेक्शन है, जो दो जो बॉडी के जितने भी फ्लूड्स हैं, जितना भी स्क्रीशंस है, उन सब में प्रेजेंट होता है HIV का जो इन्फेक्टिव HIV जो है वायरस। तो जैसे ही वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा, मतलब किसिंग है या सेक्सुअल इंटरकोर्स है या बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट है, तो वो क्या करेगा, दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल में आपको STDs मेनली एड्स जो है वो एग्जाम्पल लिखना है, या फिर आई इन्फेक्शन जो होता है, आई इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्टिव एजेंट उसकी आई में है तो डायरेक्ट दूसरे में भी वो जा सकता है, बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट अगर होता है तो। देन आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है, इसमें क्या होगा, जो डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स जो आई है, जैसे कि आपको पता है जब आप बोल रहे हो, स्पीकिंग करते हो, कफिंग करते हो, बहुत हंस रहे हो, कुछ गाना गा रहे हो, तो आपकी बॉडी से जो है वो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, ठीक है। उस ड्रॉपलेट्स में कभी कभी क्या होगा, जो भी आपके अंदर बैक्टीरिया या वायरस है, आप ये पर्सन अगर अब बोल रहा है खड़ा हुआ, ये सामने बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में इसके पास कोई खड़ा है, इसके छींकने बोलने खांसने इन सबसे ये जो ड्रॉपलेट इसने निकले और डायरेक्ट पर्सन ने वो इनहेल कर लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। उसके एग्जाम्पल हमारे क्या आगे, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉमन कोल्ड है, COVID-19 है, ये सब आएंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के एग्जाम्पल्स। थर्ड आता है हमारा कॉन्टेक्ट विद सॉयल।
जो सॉयल है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब ये सॉयल पड़ी है यहाँ, ये पर्सन सॉयल, ये इन्फेक्टिव सॉयल है जिसमें वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये सीधा ऑर्गेनिज्म इसमें ससेप्टेबल होस्ट में चला गया, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट विद सॉयल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, हुकवॉर्म इन्फेक्शन है या टेटनस है, ये इसके एग्जाम्पल में आएगा। देन आता है इनोकुलेशन इनटू द स्किन और म्यूकोसा, यानी जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट स्किन में डाल दिया गया है, इनोकुलेट हो गया या फिर म्यूकोसा में। जैसे कि अगर एक डॉग आपको बाइट कर लेता है तो जो रेबीज वायरस है वो डायरेक्ट आप में डाल देता है, तो दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन इनटू द स्किन और म्यूकोसा। लास्ट हमारा आता है ट्रांसप्लेसेंटल, या जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ट्रांसप्लेसेंटल मतलब क्या, प्लेसेंटा के थ्रू, ये फीमेल है, अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल है तो आपको पता है कि जो एक्सचेंज होता है मदर और फिटस के बीच वो डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी प्लेसेंटा के थ्रू उनमें जो न्यूट्रिएंट है वो एक्सचेंज होते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो एक्सचेंज हो जाती है, तो मदर से बच्चे में भी कुछ इन्फेक्शन है जो आ जाते हैं, जैसे टॉर्च जो एजेंट है, TORCH, ठीक है, टॉर्च एजेंट जो है, मतलब टोक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला वायरस है, साइटोमेगेलो वायरस है और हर्पीज वायरस जो है, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगेलो वायरस और हर्पीज वायरस, ये क्या, अगर मदर में है तो ये बच्चे में ट्रांसमिट हो सकते हैं, यानी ट्रांसप्लेसेंटल या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन इनका हो सकता है। ये है हमारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट में हमारा आता है पहला व्हीकल बोर्न। व्हीकल बोर्न मतलब क्या, ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, या तो वो पानी के थ्रू, फूड के थ्रू, फूड में हमारे रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट सब आ गए, या फिर ब्लड के थ्रू, सीरम के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, जब कोई भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट होता है दैट इज कॉल्ड व्हीकल बोर्न। और व्हीकल में भी मेनली जो हमारा आता है वो आता है वाटर और फूड के थ्रू, ये याद रखना, वाटर और फूड के थ्रू जो ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हीकल बॉर्न। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न क्या होता है, वेक्टर किसको बोला जाता है, एनी लिविंग कैरियर, या तो कोई आर्थ्रोपोड होगा या फिर कोई और लिविंग कैरियर जो इन्फेक्शियस एजेंट को ससेप्टेबल इंडिविजुअल तक लेके जाता है, उसको बोलते हैं हम वेक्टर बॉर्न। अब जो वेक्टर होते हैं हमारे वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो होंगे मैकेनिकल वेक्टर या फिर वो होते हैं बायोलॉजिकल, मैकेनिकल होते हैं या फिर बायोलॉजिकल। देखिए इनके नाम से समझिए, मैकेनिक हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसा लिविंग, मतलब आर्थ्रोपोड हो गया या फिर अदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक इन्फेक्शियस एजेंट को दूसरे तक लेके जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेक्टर। अब वेक्टर क्या करता है, वो इन्फेक्शियस एजेंट मैकेनिकली भी लेके जा सकता है और बायोलॉजिकली भी। मैकेनिकली कैसे, जैसे यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट ये पड़ा हुआ है, ठीक है, एक फ्लाई आई यानी एक मक्खी है, आप ये ऑर्ली ऑर्गेनिज्म है जो बैठा है यहाँ पे, यानी एक ससेप्टेबल होस्ट है, इसमें ये इन्फेक्शन हो रखा है, स्किन में उसकी इन्फेक्शन है, यहाँ से स्किन रप्चर हुई हुई है, हमने सपोज कर लिया ऐसा, ठीक है, ये इसकी स्किन यहाँ से रप्चर्ड है और वो वुंड को ओपन करके ऐसे बैठा है, ये इन्फेक्शियस एजेंट पड़ा हुआ है, अब ये फ्लाई आई और फ्लाई इस एरिया पे बैठ गई, तो इसके जो पैर हैं, मतलब जो इसके पैर है वहां पे वो चिपक गया, फ्लाई उड़ के ये स्किन इन्फेक्शन है यहाँ पे बैठ गई और यहाँ पे इस इन्फेक्शियस एजेंट को लाके छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेक्टर। मतलब इसने, इसकी बॉडी में ये वेक्टर नहीं गया, फ्लाई के अंदर नहीं गया, उसके हाथ पैर कहीं पे भी चिपका और जाके उसने दूसरे को ट्रांसमिट करी, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेक्टर ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल में क्या होता है, बायोलॉजिकल में ये जो इन्फेक्टिव एजेंट है इसके अंदर पहले जाएगा और ये इसके अंदर पहुंचाएगा, इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल में भी तीन आएंगे हमारे, पहला है प्रोपेगेटिव, सेकेंड इज साइक्लो प्रोपेगेटिव, थर्ड इज साइक्लो डेवलपमेंटल। प्रोपेगेटिव का मतलब क्या है, इसको प्रोपेगेट करना है, अपने आप को फैलाना है, मतलब कि ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जो वेक्टर में जाएगा और थोड़ा सा अपने आप को मल्टीप्लाई करता है लेकिन अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता, वैसा ही रहता है जैसा गया था, सिर्फ नंबर थोड़ा बहुत बढ़ा लेगा, जैसे
प्लेग बैसिलाई होता है रेट फ्ली में जाके, वो सिर्फ प्रोपेगेट होता है। साइक्लो प्रोपेगेटिव क्या होता है, जिसमें एजेंट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी चेंज होता है और अपना बढ़ाता है, अपनी फॉर्म को भी चेंज कर रहा है और अपना नंबर भी बढ़ा रहा है, साइक्लो प्रोपेगेटिव। तो वो उसका एग्जाम्पल है हमारा मलेरियल पैरासाइट, जो मॉस्किटो में जाके अपनी सेक्सुअल जो साइकिल है उसको कंप्लीट करता है, मेल फीमेल गैमेट जायगोट बनता है, फिर वो आगे जाके और कन्वर्जन होता है। तो इस तरीके से वो अपने आप को जाके फॉर्म भी चेंज कर रहा है, नंबर भी बढ़ा रहा है, उसको बोलते हैं साइक्लो प्रोपेगेटिव। साइक्लो डेवलपमेंटल का मतलब क्या है, सिर्फ डेवलपमेंट करता है, यानी अभी ये बच्चा था अपने आप को बड़ा एडल्ट बना रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जैसे कि माइक्रोफ्लेरिया जो होता है वो मॉस्किटो में बढ़ता है, सिर्फ अपने आप को डेवलप करवा रहा है लेकिन अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता। तो इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ये है हमारा वेक्टर बॉर्न। इसके एग्जाम्पल में आपको जैसे ट्रांसमिशन वाला जब लिखना आएगा तो आप ऐसा भी एग्जाम्पल में बता सकते हो कि जैसे कुछ बीमारियां हैं जो मैन आर्थ्रोपोड और मैन में रहती हैं, जैसे कि मलेरिया, या फिर कुछ ऐसी होती है जो मैन में फिर स्नेल में और मैन में, ऐसे साइकिल चलती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोसोमियासिस। ये इस तरीके के एग्जाम्पल कुछ आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं एयर बॉर्न की, ठीक है। एयर बॉर्न में क्या था, जैसे हमने इससे पहले बात की थी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की ना, तो एयर बॉर्न में भी हमारा आता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड सेकेंड आता है हमारा डस्ट। अब इस ये हमारा इनडायरेक्ट में रखा गया, वो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था वो डायरेक्ट में। ऐसा क्यों, डायरेक्ट हमने कहा था कि जो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो ससेप्टेबल होस्ट में डायरेक्ट जाना चाहिए, बीच में कोई मीडियम नहीं लगेगा उनको। एयर बॉर्न में एयर हमें चाहिएगी, मतलब ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है, जैसे कि ये एक पर्सन है, अब ये पर्सन इससे इतनी दूर खड़ा है, इसने जो इन्फेक्टिव एजेंट था मतलब ड्रॉपलेट के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। अब ये बहुत ज्यादा ट्रेवल तो नहीं कर सकते, लेकिन एयर आई और एयर इनको उड़ा के ले गई, ठीक है, एयर ने इनको यहां तक पहुंचा दिया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, वो एयर बॉर्न है। जब यहां पे ही पर्सन खड़ा हुआ होता और ये डायरेक्ट इसमें चले जाते तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता हमारा, वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में। जब ये बहुत दूर है और ये एयर की हेल्प से दूर दूर ट्रेवल करेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई विद एयर बॉर्न ट्रांसमिशन। फिर आता है कुछ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, भारी होते हैं, वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, एयर के थ्रू ट्रेवल ही नहीं कर पाएंगे ज्यादा दूर तक, तो वो क्या होते हैं, नीचे ग्राउंड में सेटल हो जाते हैं, यहाँ पे गिर गए, ग्राउंड में सेटल हो गए, मतलब डस्ट के साथ मिल गए, यहाँ पे मिट्टी पड़ी थी उसके साथ मिल गए। अब कभी ये तो चला गया यहाँ से, लेकिन कभी हवा आई बहुत तेज जिसने इस डस्ट को उड़ा दिया, तो ये उड़ के फिर से किसी ऑर्गेनिज्म में चले गए और वहां पे डिजीज कॉज की, दैट इज कॉल्ड डस्ट एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। फिर आता है हमारा फोमाइट बॉर्न। फोमाइट मतलब क्या है, जो इनएनिमेट आर्टिकल है, मतलब एनिमल को छोड़ के जो भी आर्टिकल बच गए आपके, जैसे फूड और वाटर को छोड़ के, फूड है वाटर है एनिमल, इनको छोड़ के जो बच गया, मतलब फोमाइट्स में क्या आते हैं, आपके कपड़े आते हैं, आपके टॉवल, आपके जो हैंकी होते हैं, आपके कप, आपका स्पून, पेंसिल, बुक, टॉयज, हैंडल्स, ग्लासेस, ये सब जो होंगे ये फोमाइट बॉर्न, जब इनके थ्रू इन्फेक्शन फैलेगा, जैसे कि किसी को आई इन्फेक्शन था, आई इन्फेक्शन था तो उसने वो जो वो हैंकी यूज किया अपना आंख को साफ करने के लिए, उस रुमाल में वो इन्फेक्शियस एजेंट आ गया, अब वो रख के चला गया और सेकंड पर्सन ने सेम जो है वो ये रुमाल यूज किया, दैट इज कॉल्ड फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन। फिर आता है इन्फेक्शन या फिर ट्रांसमिशन विद द हेल्प ऑफ अनक्लीन हैंड एंड फिंगर। हैंड्स जो होते हैं मोस्ट कॉमन मीडियम है किसी भी पैथोजेनिक एजेंट का ट्रांसफर होने के थ्रू, दैट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या, जैसे कि अगर किसी के अनक्लीन हैंड्स हैं, उन्होंने क्या किया, जो अनक्लीन हैंड है, जो इन्फेक्शियस एजेंट उनके हाथों पर है, उन्होंने उसी हाथ से किसी दूसरे जो पर्सन को खाना खिलाया अपने अनक्लीन हैंड, जैसे किसी को अगर कफिंग हो रही है, खांसी है, ठीक है, कोल्ड हो रखा है, उसके हाथों उसने छींका या बोला कुछ, अपना हाथ रखा, इन्फेक्शियस एजेंट उसके अभी हाथों पर है, हाथ वॉश नहीं किए, और वो किसी के साथ हैंडशेक कर लेते तो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है, या फिर अपने ही हाथों से किसी को अगर खाना खिला रहा है तो उसके थ्रू वो चला गया, या फिर अपने ही हाथों से उसने जो फूड के ऊपर हाथ रखा है, किसी अदर एजेंट के ऊपर हाथ रखा, अदर मटेरियल के ऊपर, फिर कोई हेल्दी पर्सन आया, उसने उस जो वो
टेबल चेयर या खाना जो भी था उसको टच किया या इनहेल किया इंजेस्ट किया तो उसके अंदर वो चला गया। तो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कौन किसने किया यहाँ पे, अनक्लीन हैंड एंड फिंगर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। होने के बाद ये पूरे से ट्रांसमिट हो गया, अब हमारा लास्ट फैक्टर जो आता था वो है ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, ससेप्टेबल होस्ट यानी हर किसी में इन्फेक्शियस एजेंट गया, यानी ये साइकिल तो चल सकती है। सोर्स था, रिजर्वायर था, उसने मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपना चुना, डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट मेथड से किसी की बॉडी में एंटर हुआ, लेकिन होस्ट भी ससेप्टेबल होना बहुत जरूरी है उसका। जैसे कि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जो दोष होते हैं कई बार वो बॉडी में ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं, यानी दूषित हो रखे हैं, जो दोष है वो दूषित अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको एक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही, दोष दूष्य समूर्छना अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो वो अपना फेवरेबल टाइम आने तक का वेट करते हैं। जब कोई पर्सन नेक्स्ट और निदान सेवन करेगा तब वो प्रकोपित हो जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में बोला जाता है। ठीक है, जब आप विषम ज्वर की संप्राप्ति पढ़ोगे उसमें भी ऐसा वर्णन है। ऐसे ही ससेप्टेबल हो, जब आपके पास सोर्स है, रिजर्वायर है, ट्रांसमिट भी होगा, लेकिन अगर आपका होस्ट का फैक्टर यानी अगर होस्ट अनुकूल नहीं होगा उस ऑर्गेनिज्म के, तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो होस्ट के ससेप्टेबल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि उसका न्यूट्रिशन अच्छा ना हो, स्लीप अच्छी ना हो, इम्यून सिस्टम किसी इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेज में हो, जैसे अगर किसी को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स कम हुआ तो उसमें ट्रांसमिट होने के या किसी भी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो होस्ट का भी ससेप्टेबल होना बहुत जरूरी है। अब कोई भी हमने बात की यहाँ पे कि जो इन्फेक्शियस एजेंट था, जो सोर्स था इन्फेक्शन का, वो सक्सेसफुल पैरासिटिज्म कब कर सकता है, मतलब वो एक सक्सेसफुल पैरासाइट कब कहा जाएगा, जब उसके पास ये चार चीजें होंगी। ठीक है, ससेप्टेबल होस्ट के अंडर नहीं आता ये, लेकिन होस्ट को तो इन्फेक्ट कर दिया, होस्ट की बहुत सारी बायोलॉजिकल चीजें ऐसी हैं, फिजिकली साइकोलॉजिकली होस्ट अगर ससेप्टेबल होगा तो उसको पर्टिकुलर बीमारी वो हो जाएगी। ठीक है, अब पैरासाइट जो आया है या जो ऑर्गेनिज्म आया है जो उसमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसके पास ये चार चीजें होंगी तभी वो अच्छा पैरासाइट माना जाएगा। वो क्या, पहली उसको पता हो पोर्टल ऑफ एंट्री, सॉरी पहला क्या हो, पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी उसको बॉडी में अंदर जाना चाहिए ना, उसके जीने की क्या ही वजह है जब वो दूसरे को इन्फेक्शस नहीं कर पा रहा। तो पोर्टल ऑफ एंट्री यानी होस्ट में जाने के लिए उसको एंट्री पता होनी चाहिए, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाए, एलिमेंट्री ट्रैक से जाए, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक से जाए, कहीं से भी जाए, पोर्टल ऑफ एंट्री पता होना चाहिए कि कैसे वो जाएगा, बॉडी में एंटर करेगा। दूसरा, वो वहां जाने के बाद अपनी क्या करता है, साइट ऑफ इलेक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाते ही वहां पे युद्ध शुरू कर देगा ऐसा नहीं होता, अपनी साइट को इलेक्ट करता है, पहले वो एक जगह को चुनता है कि मुझे यहाँ रहना है, यहाँ रह के खुद को बढ़ाना है, और जब मैं बहुत बढ़ जाऊंगा तो फिर पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करूंगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं मलेरिया की, जो मलेरिया का पैरासाइट है हमारा प्लाज्मोडियम, बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद, जैसे मच्छर तो आपको यहाँ हाथ पे पैर पे कहीं भी काट सकता है ना, तो वो जैसे ही ब्लड में इंजेक्ट किया मॉस्किटो के थ्रू, मॉस्किटो का जो सलाइवा था उसके थ्रू ब्लड में इंजेक्ट हो गया, ब्लड में इंजेक्ट होने के बाद वो पूरे ब्लड को छोड़ के कहाँ, लीवर में आ जाता है, लीवर में आके खुद को बढ़ाता है, अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर आरबीसी को रिएक्ट करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पहले ही नहीं किया क्योंकि उसने अपना साइट देखी कि मैं कहाँ जाके अच्छे से रह सकता हूँ, कहाँ अपने आप को मल्टीप्लाई करूंगा, अपने सर्वाइवल के लिए मैं कोई एक जगह तो चुन लूँ, वो होता है साइट ऑफ इलेक्शन। तीसरा है, अब वो डेड एंड हो गया, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में आया, मतलब ये ह्यूमन बीइंग है, इसमें आके वो रह लिया और इससे किसी और में ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो फिर आगे ये डिजीज फैले ही नहीं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के होने के कोई मतलब ही नहीं है, यानी इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस डिजीज होंगी नहीं, वो तभी फैलती है जब ये इन्फेक्शियस पर्सन से निकलेंगी, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट होना जरूरी है। इस पैरासाइट को बॉडी से निकलना भी आना चाहिए, जब ये निकलेगा अच्छे से तभी दूसरों में फैल पाएगा, मतलब चाहे वो स्किन के थ्रू निकल रहा हो, चाहे वो स्पूटम के थ्रू निकल रहा हो, चाहे वो यूरिन के थ्रू, चाहे वो स्टूल के थ्रू, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट होना चाहिए उसका।
और तीसरा क्या, चौथी चीज क्या है कि आफ्टर एग्जिट ह्यूमन बॉडी को छोड़ने के बाद वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, ऐसी भी उसके पास चीजें होनी चाहिए, मतलब ऐसा भी उसका सिस्टम होना चाहिए कुछ, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, उसके हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी अच्छे से रहना आएगा, तभी वो सक्सेसफुल पैरासिटिज्म जो पैरासाइट बन पाएगा और वो आगे इन्फेक्शन को फैला पाएगा। तो ये पैरासाइट के चार ये क्राइटेरिया जो उसको फुलफिल करने चाहिए। और जो ससेप्टेबल होस्ट होता है, मतलब जिसमें डिजीज होने के चांसेस, यानी वो प्रोन हो गया डिजीज के, वो कब होगा, जब वो बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, सोशली किसी भी तरीके से वीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हम इन्फेक्शन, ये तो हम इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात कर रहे थे कि डिजीज डायनेमिक कैसे डिजीज ट्रांसफर होती है, लेकिन अगर हम हाइपरटेंशन की भी यहाँ पे बात करें, जो कि क्या है हमारी, जो एक दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो हाइपरटेंशन अगर हुआ, हाइपरटेंशन ससेप्टेबल होस्ट मतलब मेन किस पर्सन में वो ज्यादा होंगी, जैसे जेनेटिक फैक्टर तो है कि पेरेंट्स में चली आ रही है कि हाइपरटेंशन पेरेंट्स में भी है, दादा में भी था, तो उसमें आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर उसका वर्क ऐसा है कि उसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, वो खाने पीने में भी बहुत ज्यादा नमक और ऐसी चीजें ले रहा है, तो ये क्या हो गए, और एक फैक्टर हो गई, अब ये ससेप्टेबल बन गया। अगर उसके पेरेंट्स में हाइपरटेंशन वाले सारे फैक्टर थे, वो जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है, लेकिन ये होस्ट अपनी फिजिकल एक्सरसाइज अच्छे से रख के, खाना पीना टाइम पे, स्ट्रेस ना ले, मेडिटेशन, योगा, सब अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन कर रहा हो, तो वो पर्टिकुलर डिजीज उसमें नहीं होगी, यानी उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, वानी वो अब वो ससेप्टेबल नहीं रहा। तो ससेप्टेबल होना होस्ट का बहुत जरूरी है, कभी भी कोई डिजीज कॉज करनी हो तो ये तीनों फैक्टर, मतलब सोर्स यानी रिजर्वायर जो होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टेबल होस्ट, तीनों का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में पढ़ा था कि जो एनवायरमेंट है, जो एजेंट है आपका और होस्ट है, तीनों का इंटरेक्शन जब होगा तभी कोई डिजीज कॉज होती है। जब तक होस्ट ससेप्टेबल नहीं है, बीमारी नहीं हो सकती, चाहे आपका इन्फेक्शियस एजेंट उसके अंदर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो फैक्टर होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। थैंक यू।